बॉलीवुड की एक ऐसी कामयाब एक्ट्रेस जिन्होंने 90 के दशक से आज तक अपने एक्टिंग का जलवा पूरे दुनिया को दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रवीना टंडन के बारे में। रवीना का जब भी कोई गाना या सिनेमा रिलीज होता तो दर्शक उन्हें देखने के लिए बेताब हो जाते थे। इस एक्ट्रेस ने टिप टिप बरसा पानी गाने में ऐसा डांस किया जिसे आज भी लोग भुला नहीं सकते। रवीना टंडन को हिंदी सिनेमा में मस्त मस्त गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये अभिनेत्री 90 के दशक में टॉप 10 एक्ट्रेस के लिस्ट में आती थी। अक्षय कुमार और रवीना टंडन कभी बॉलीवुड के बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल कहे जाते थे। उनके बीच की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर आग लगाती थी, लेकिन एक विवाद ने उन्हें इस कदर दूर कर दिया कि दोनों ने सालों तक काम करना भी छोड़ दिया। जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दे। दोस्तों, रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि टंडन है, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। रवीना ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई जुहू के जमनाबाई नर्सी स्कूल से की थी और कॉलेज की पढ़ाई मीठी बाई कॉलेज से पूरी की। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। जब वो अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रही थी तो उन्हें शांतनु शौर्य ने अपने फिल्म में काम करने का मौका दे दिया। पहले फिल्म की ऑफर मिलते ही उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और फिल्मी करियर की शुरुआत की। दोस्तों, असल में देखा जाए तो रवीना टंडन कभी भी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी। शुरुआत में एक एड मेकर के यहाँ वो काम करती थी। आपको बता दें कि वो जितनी खूबसूरत है उससे भी अधिक होनहार अभिनेत्री है, क्योंकि उन्हें उनकी पहली फिल्म के लिए ही पुरस्कार दिया गया था। रवीना टंडन ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई पत्थर के फूल जैसे सुपरहिट फिल्मों से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1994 में अक्षय कुमार के साथ आई फिल्म मोहरा की वजह से रवीना टंडन काफी मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। और इसी फिल्म की वजह से उन्हें मस्त मस्त गर्ल का नया नाम भी मिल गया था। 1994 में रवीना टंडन ने एक साथ 3 सुपरहिट फिल्में दी थी। अक्षय कुमार के साथ मोहरा फिल्म, अजय देवगन के साथ दिलवाले फिल्म और सलमान खान और आमिर खान के साथ अंदाज अपना अपना जैसे सुपरहिट फिल्मों की वजह से रवीना टंडन बहुत ही कम समय में मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। तीनों फिल्मों को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि उन्होंने हर फिल्म में जो अभिनय किया वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था। फिर कुछ सालों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद रवीना टंडन ने गोविंदा और महिमा चौधरी के साथ सबसे आखिरी फिल्म सैंडविच, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी, मगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। सैंडविच फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया था। लेकिन 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट फिल्म के साथ उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की। उनकी सबसे आखिरी फिल्म मृत थी, जिसमें उन्होंने एक मां का किरदार निभाया था, जो मां अपनी बेटी के लिए खून का बदला लेती है। उनके इस किरदार को लेकर आलोचकों ने काफी तारीफ की थी और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक अभिनेत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने केवल हिंदी फिल्मों में ही खुद को साबित नहीं किया, बल्कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में भी काफी अच्छा काम किया है।
ये तो रही रवीना टंडन के फिल्मी करियर के बारे में, चलिए अब बात कर लेते हैं उनके लव अफेयर्स के बारे में। 90 के दशक में रवीना और अक्षय की जोड़ी हिट थी, दोनों ने कई फिल्मों में रोमांस किया था। इसी दौरान उनके बीच डेटिंग की अफवाह फिल्मी गलियारे में हॉट टॉपिक बन गई थी। ऑन स्क्रीन के साथ साथ फैंस उनकी ऑफ स्क्रीन जोड़ी को भी खूब पसंद कर रहे थे। कहा जाता है कि फिल्म मोहरे के बाद रवीना और अक्षय का प्यार परवान चढ़ गया था। रवीना टंडन और अक्षय कुमार आज भले ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन कभी एक्ट्रेस अक्षय कुमार के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। रवीना अक्षय से शादी करने के लिए अपना करियर भी छोड़ने के लिए राजी हो गई थी, क्योंकि अक्षय एक हाउसवाइफ चाहते थे। सगाई के बाद रवीना ने अक्षय से शादी का मन बना लिया था, लेकिन फिर अक्षय के धोखे ने उन्हें तोड़ दिया। अपनी सगाई के बारे में रवीना ने एक बार एक चैट शो में कहा था, मेरी सगाई एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे मैं जानती थी। मैं एक सिंपल लाइफ चाहती थी। मैंने शादी से पहले नौकरी छोड़ दी थी। हमने सोचा था कि जब मेरा शूटिंग का आखिरी दिन होगा उसी दिन हम शादी कर लेंगे। जब मैंने फिर से अपना करियर शुरू किया तो उन्होंने फिर से इसे छोड़ने और शादी करने के लिए कहा। हालांकि तब मैंने कहा कि एक बार मैंने तुम्हारे लिए करियर छोड़ा, लेकिन अब मैं तुमसे पहले अपने करियर को तवज्जो दूंगी। इसी तरह सगाई के बाद ऐसी अफवाह उड़ी थी कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन की शादी हो गई है, लेकिन बाद में खुद दोनों ने इन अफवाह पर फुल स्टॉप लगाया था। दोनों ने कहा था कि उनकी सगाई जरूर हुई थी, लेकिन शादी नहीं। सगाई के कुछ समय बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया था। 90 के दशक में अक्षय कुमार अपनी लव लाइफ को लेकर खासा चर्चे में रहते थे। उनका कई अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ा है। कहा जाता है कि शिल्पा शेट्टी की वजह से रवीना और अक्षय के बीच भी दरार पड़ गया था। अक्षय ने चुपचाप तरीके से शिल्पा को डेट करके रवीना को चीट किया करते थे। उस वक्त रवीना और शिल्पा अच्छी दोस्त हुआ करती थी। इस बात से रवीना का दिल इतना दुखा कि उन्होंने खिलाड़ी कुमार से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसा था रवीना टंडन का लव अफेयर। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।